क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिएगा। मुस्कान कुमारी। कहाँ घर है आप लोगों का? अच्छा, आप लोग अभी इस वक्त हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए हैं? हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए, तो आपने हिंदू धर्म को अपनाया, तो क्यों अपनाया आपने हिंदू धर्म को? इसका संस्कृति अच्छा लगा इसलिए आप हिंदू धर्म को अपनाया। तो क्या यह शादी आप लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं? अच्छा, इसमें कोई आप लोगों का किसी का दबाव नहीं, मतलब लड़का के दबाव में आकर के तो शादी नहीं कर रहे हैं ना? इसके अलावा किसी का दबाव है क्या, मतलब घर वाले से किसी से डर, कोई खतरा? किससे डर है आपको? मतलब कौन कौन, क्या नाम बता सकते हो? कौन कौन है? मेरे मौसा, मामा और पापा। अच्छा, उनसे डर है। अच्छा, कोई धमका रहे हैं आप लोगों को? झारखंड की मुस्कान खातून ने सनातन धर्म अपनाकर पूरे रीति रिवाज के साथ राम नाम के एक हिंदू से शादी कर ली है। यह शादी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। खबरों के मुताबिक मौलाना की पत्नी मुस्कान ने कहा है कि उसे सनातन धर्म पसंद है और हिंदू धर्म अपनाकर वे काफी खुश है। वे अपने पति के साथ सनातन धर्म के रास्ते पर अपना जीवन गुजारेंगी। राम और मुस्कान दोनों झारखंड के गोड्डा में रहते हैं। राम गोड्डा के महरामा में रहकर पढ़ाई करते थे। उसी मोहल्ले में बिहार के भागलपुर की मुस्कान अपनी ननिहाल है, जहां रहकर वह भी पढ़ाई करती थी। एक साल पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और जो प्यार में बदल गई। हालांकि मुस्कान के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन मुस्कान हर हाल में राम से विवाह करना चाहती थी। घर वालों के विरोध को देखते हुए दोनों 17 अक्टूबर 2022 को कोर्ट मैरिज करने गोड्डा पहुंच गए। इसकी भनक मुस्कान के घर वालों को लग गई और वे कोर्ट परिसर में पहुंचकर लड़की के साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच पुलिस ने बीच बचाव किया और लड़की को सुरक्षा दी। मुस्कान ने कोर्ट में अपना बयान दिया कि वे अपनी मर्जी से राम के साथ आई है और शादी कर रही है। मुस्कान ने कोर्ट में अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की। कोर्ट में बयान देने के बाद लड़की को पुलिस की तरफ से सुरक्षा प्रदान की गई। इसके बाद दोनों भागलपुर पहुंचे। वहीं भागलपुर के परिपैंती स्थित मीनाक्षी मंदिर में ग्रामीणों की उपस्थिति में मुस्कान ने सनातन धर्म अपनाते हुए रामकुमार मंडल के साथ शादी कर ली। वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के नारों के बीच विवाह संपन्न कराया गया। इस बीच ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक विवाह के गीत भी गाए। लड़की के परिजनों ने दोनों को स्वीकार कर लिया और इस शादी को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस शादी की खूब चर्चा है और लोग इसे जोड़े को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दे रहे हैं।